नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की सफाई के लिए जनपद पुलिस अभियान चला रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि जीएनपुर कोतवाली और स्वाट टीम के संयुक्त अभियान में आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके पास से भारी संख्या में असलाह व कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार मुख्य आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष जीएनपुर का भाई है, जिसके ऊपर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कृपाशंकर यादव के ऊपर जैनपुर थाना में 5 मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे आरोपी मोहम्मद साहब के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं और शिव कुमार के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो वही अभियुक्त संजय यादव, अभिषेक कुमार व हिमांशु सिंह के ऊपर भी 2-2 मुकदमे दर्ज हैं। क्या कुछ कहा इस बाबत हरिशंकर यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष जैनपुर और सुधीर कुमार सिंह SP आजमगढ़ में आपको सुनवाते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष जैनपुर, क्या मामला है कप्तान साहब? मेरे भाई को फर्जी मुकदमे में बताया गया है, जब दूसरे पास अपराध बरामद नहीं हुआ, यह मेरे राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। मैं निर्दल चुनाव लड़ा हूं। तो किस मामले में फंसाया गया है, क्या आरोप लगाया गया? पिस्टल दिखाया जा रहा है, पिस्टल दिखाया जा रहा है, डकैती दिखाई जा रही है, जबकि हम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं, अपने समाज में निर्दल चुनाव लड़कर जीत हासिल किया है, उसमें किसी का सहयोग नहीं रहा है। तो विरोधी में कौन आपका, सत्ता पक्ष से कोई जुड़ा हुआ है या फिर और भी कोई? राजनीतिक विरोधी हैं मेरे। अब मैं कितने लोगों का नाम बताऊं, बैकवर्ड होने के नाते मेरा शिकार किया जा रहा है। पुलिस का तो ये कहना है कि जैसे लूट की योजना बनाते हुए पकड़े गए वो लोग। भाई पुलिस है, वो जो चाहे लिख दे, उनके हाथ में अधिकार है, वो जो चाहे लिखे। क्या मांग कर रहे हैं आप, निष्पक्ष जांच हो? मेरी मांग है निष्पक्ष जांच हो और इस तरीके की गलत कार्यों में निंदा करता हूं, जिसको राजनीति करना है, आए मैदान में चुनाव लड़े, हार जीत अपने जगह पर होती रहती है, मत इस तरीके से राजनीति का शिकार नहीं किया जाता। कप्तान साहब से मिले आप इस बात में? मेरे कप्तान साहब से मैं नहीं मिला हूं, मुझको दोषी मेरे भाई बहुत मुझको बनाया जा रहा है, दोषी है, मुझको मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझको गुंडा बताया जाता है, जबकि मैं अपने नगर पंचायत में बहुत कम समय में बहुत बेहतर कार्य किया हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये थाना जीएनपुर और स्वेट टीम, इसके दोनों के संयुक्त प्रयास में, अभियान में ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से एक NIMM का पिस्टल बरामद हुआ है, एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है और 3 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक जगह इकट्ठा थे और किसी घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे। जब पुलिस की दोनों टीमें वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मामूर थी तो ये उनके हत्थे लगे और इनकी गिरफ्तारी हुई। इनमें से जो एक अभियुक्त है उसके पूर्व आपराधिक इतिहास भी है और थाना जीएनपुर का एक जनप्रतिनिधि का भाई भी है ये, तो इससे निश्चित रूप से बड़ी असला की गिरफ्तारी हुई है और घटना भी रुकी है।